गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 6 बज चुके हैं और आपकी DLED 4 सेमेस्टर की क्लास शुरू हो चुकी है। ये क्लास आप देखते हैं, अभी तक तो सप्ताह में 3 दिन देखते थे, लेकिन अब हर दिन देखेंगे क्योंकि 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में कोर्स आपका सिर्फ 2 चैप्टर बचा है, बाकी सब ख़त्म हो चुका है। मैथ में आज हम उसको भी ख़त्म कर देंगे, एक चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। आपका सिलेबस 4 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन का समय होगा, आप रिवीजन खुद कर लीजिए क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। PVR स्टडी के इलाहाबाद चैनल पर कुछ क्लास उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में आप वहां से देख लीजिए। बाकी सारी क्लास के लिए आप PVR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य फॉलो करें, क्योंकि फेसबुक पर आपको ये सारी क्लास बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, और इसे कैसे पहचानते हैं। पहले हिंदी में देखेंगे, फिर अंग्रेजी में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चतुर्भुज, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई एक आकृति है ना। इसका अगर डिफिनेशन देखें तो यदि 4 बिंदु इस प्रकार दिए गए हों कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो। कैसे हो, 4 बिंदु कुछ इस प्रकार से दिए गए हों कि उसमें से कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो, तो उनको मिलाने से बनने वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब कुछ लोग संरेख का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख बिंदु वो बिंदु होते हैं जो किसी एक सीधी सरल रेखा पर अंकित होते हैं। सीधी रेखा पर मतलब, जैसे ये हमने एक रेखा खींचा ना, सीधी रेखा, अगर इस पर हमने बिंदु रख दिया ए और एक बिंदु बी और एक बिंदु सी, तो ये बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख मतलब एक समान रेखा में है, एक सीधे में है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि कोई भी ऐसी आकृति जिसमें 3 बिंदु संरेख ना हो, मतलब कंडीशन है 3 बिंदु संरेख नहीं होने चाहिए, 2 हो जाए चलेगा लेकिन 3 ना हो, कहीं भी रख दो लेकिन संरेख ना हो। मतलब ये जो सी है वो सीधा सीधा रेखा पर ना हो, कहीं भी हो जाए, थोड़ा सा भी बगल हो जाए चलेगा, और चौथा बिंदु कहीं भी मिला लो। अब सभी को आप मिला दोगे तो क्या बनेगा? ये चतुर्भुज बनेगा। और वो चतुर्भुज किसी भी प्रकार का बने, लेकिन है तो चतुर्भुज ही ना, लेकिन 3 बिंदु संरेख ना हो। देखो 2 बिंदु संरेख कर लो चलेगा, 2 बिंदु कहीं भी रख दो ये चलेगा, क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। तो परिभाषा आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, ठीक ना, लिख लीजिए। यदि 4 बिंदु इस प्रकार दिए गए हों, यदि 4 बिंदु इस प्रकार दिए गए हों कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो, संरेख ऐसे लिखेंगे, ये संरेख ना हो, तो उनके क्रमशः मिलाने पर बनने वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये बात समझ में आई ना? ये भी चतुर्भुज है, ये बना लो आयत, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ये टेढ़ा मेढ़ा वाला बना लो, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया यार, ये गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं। देखिए चतुर्भुज मतलब कोई भी 3 बिंदु सीधा ना हो, बस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला आता है साथियों चतुर्भुज के प्रकार वगैरह देखेंगे, लेकिन उसके पहले विकर्ण और संलग्न भुजाएं। विकर्ण आपने नाम सुना होगा, विकर्ण क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान देना। देखिए आप आकृति देखते होंगे, उसमें बहुत सारी लाइनें इधर उधर खींची होती हैं, है ना, इधर उधर बहुत सारी लाइनें खींची होती हैं। तो विकर्ण क्या होता है? जब किसी चतुर्भुज में कोई कट मारते हैं, है ना, कट मतलब आप देखे होंगे, ये जैसे एक चतुर्भुज है, इसमें आप देखते हैं कई लाइनें इधर का उधर खींची होती है ना, ये ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे भी खींचा होता है ना, तो ये सभी क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे समझेंगे, परिभाषा?
चतुर्भुज के दो रेखाखंड AC तथा BD विकर्ण कहलाते हैं। अभी इसका मतलब समझना, अर्थात चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, मतलब समझना, डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों से प्राप्त रेखाखंड, सम्मुख शीर्ष मतलब समझना। देखिए जैसे ये मैंने क्या बनाया, चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। इनका सम्मुख शीर्ष ये बताइए, इसका ये एक वर्टेक्स है कोना है ना, इसके सम्मुख कौन है, सीधा पर, ये तो नहीं है सीधे पर ना, ये है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि चतुर्भुज को एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। लेकिन इसको किताबी परिभाषा में आप बोलेंगे कि चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। जैसे आकृति में लिख लीजिए समझने के लिए, आकृति में AC तथा BD दो विकर्ण हैं। ये आकृति नीचे बना लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, निम्नलिखित आकृति में AC तथा BD दो विकर्ण हैं। हो गया इतना। चलिए इसी आकृति पर आधारित सब कुछ हम देखेंगे, इसको ऐसे बनाए रखिए, मिटाइएगा नहीं, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ पर लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। इसको नोट में लिख लीजिएगा, अभी आगे बात करेंगे। तो आपने देख लिया चतुर्भुज की परिभाषा, विकर्ण। अब देखिए अगला है संलग्न भुजाएं। क्या है? संलग्न भुजाएं। ये हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए, हम बातों को बोल रहे हैं, सुन सुन के लिखिए। संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? हेडिंग हो गई संलग्न भुजाएं। देखिए चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जिनका अंतः बिंदु उभयनिष्ठ होता है। अंतः बिंदु क्या होता है अब जानते हो ना कि नहीं जानते हो? चलिए आगे बात करते हैं। संलग्न भुजाएं, किसी चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जिनका अंतः बिंदु उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, चित्र में ABBC संलग्न भुजाएं हैं, AB और BC ये क्या है? संलग्न भुजाएं हैं। फिर से देखना, नीचे बना दूं तो ये AB और ये BC, ये नीचे वाली भुजा और ये इधर वाली, ये क्या है? संलग्न भुजाएं हैं। और इसके अलावा इस तरह से आप और भी देख सकते हो, BCCD भी है, BC और CD। परिभाषा क्या कहती है फिर से एक बार देख लो, समझ लीजिए, फिर लिख लेना अभी। जिनका अंतः बिंदु उभयनिष्ठ होता है, अंतः बिंदु मतलब जहां पर खत्म होता है, अंतः बिंदु मतलब अंतिम बिंदु। जैसे यहां पर ये क्या है? एक भुजा है। ये क्या है? भुजा है। यहीं पर ये खत्म हो जाती है ना, ठीक है। यहां से एक दूसरी भुजा निकलती है, यहां को जाती है, इसका नाम है क्या? सी और पी और ए। तो AB का अंतः बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु। इधर B है, इधर A है, तो जो भुजा B पर बनेगी या A पर बनेगी वो संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। जैसे B पर एक भुजा बनी BC, तो BC क्या है? संलग्न भुजा है। यानी AB और BC संलग्न भुजाएं हैं। अगर यहां पर हमने एक भुजा और खींच दिया, इसका नाम रख दिया D, तो AD और AB, AB और AD ये संलग्न भुजाएं हैं। लेकिन AD और BC संलग्न भुजाएं नहीं हैं। बात समझ में आई ना? मतलब वो एक दूसरे में जुड़ी होनी चाहिए, बगल बगल से किसी न तरह से। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जिनका अंतः बिंदु, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अंतिम बिंदु उभयनिष्ठ, ब्रेकट में लिख लीजिए, कॉमन होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज की अंतः भुजाएं वो भुजाएं होती हैं, अंतः भुजाएं नहीं, संलग्न भुजाएं, वो भुजाएं होती हैं जिनका अंतः बिंदु मतलब अंतिम बिंदु क्या होता है? कॉमन होता है।
अगला आता है सम्मुख भुजाएं। क्या आता है? सम्मुख भुजाएं। हेडिंग लिख लीजिए, सम्मुख भुजाएं। इसके पहले हमने पढ़ा संलग्न भुजाएं, है ना? क्या पढ़ा? संलग्न भुजाएं। हेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले हमने पढ़ा विकर्ण, उसके पहले हमने पढ़ा चतुर्भुज क्या होता है ना? बात समझना। सम्मुख भुजाएं आप समझ चुके होंगे, ए बी और सी डी इसमें सम्मुख भुजाएं हैं। अरे वही जो संलग्न भुजाओं के बगल में होती हैं, वो क्या हैं? सम्मुख भुजाएं हैं। जैसे आकृति अभी हमने बनाया था, चित्र बनाया था, वो क्या था? ऐसे ही तो था ना? आप बनाए होंगे, मिटाइएगा मत। इसका नाम हमने दिया था सी डी और ए बी, है ना? सम्मुख भुजाएं क्या हैं? जैसे ए डी एक भुजा है ना, इसके सामने की जो भुजा है वो सम्मुख भुजा है। कौन? ए डी की सम्मुख भुजा कौन है? बी सी। ये क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख मतलब जो उसके जस्ट सामने स्थित है, अपोजिट साइड में, मतलब क्या बोले, अपोजिट तो बोलेंगे ना, मतलब उसी के जस्ट सामने। ठीक, ए डी बी सी सम्मुख भुजा है। ए बी की सम्मुख भुजा बोले तो डी सी है। ए बी की सम्मुख भुजा क्या है? डी सी है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना बी सी की सम्मुख भुजा क्या है, कमेंट करके बताना बी सी की सम्मुख भुजा क्या है। चलिए ये हो गया सम्मुख भुजा, लिख लीजिए परिभाषा। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो होती हैं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, मतलब कॉमन नहीं होता है। जैसे अगर ए डी और बी सी में कोई संबंध देखें तो है? नहीं है। इसका बिंदु ए यहाँ है, डी यहाँ है, इसका सी यहाँ है, बी यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। लेकिन संलग्न भुजाओं में एक बिंदु कॉमन होता है। कैसे? जैसे ए बी और बी सी क्या है? संलग्न भुजा है। इसका बिंदु बी दोनों में है भाई, बिंदु बी ए बी के लिए भी है और बी सी के लिए भी है, तो ये अंतर होता है। यहाँ पर हम बातों को लिखेंगे कम, आपको नोट करना पड़ेगा। बोल रहे हैं फिर से सुन लीजिए, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, आगे पीछे करते रहिए, वीडियो आप पीछे कर सकते हो, है ना? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जिनका या फिर जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं होता है। हम जितनी बार बोलेंगे हो सकता है परिभाषा उतनी बार कुछ ना कुछ अलग हो, क्योंकि लिखी लिखी परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, कहीं डेफिनेशन ऐसा लिखा नहीं गया है, आपको बना के बता रहे हैं, तो अगर हर बार बताएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अगला है चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अब क्या होता है ये सम्मुख कोण? कौन सी बला है? देखिए पहला बिंदु हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कौन सी चीज है? चतुर्भुज के सम्मुख कोण वे कोण होते हैं, चतुर्भुज के सम्मुख कोण वे कोण होते हैं जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है। अरे जी जैसे हम लोग सम्मुख भुजा पढ़े हैं और संलग्न भुजा पढ़े हैं, वैसे सम्मुख कोण भी होता है। जैसे इसमें डी ए बी और बी सी डी, डी ए बी कौन सी? डी ए बी कोण, डी ए बी ऐसे लिख लीजिए, और कोण कौन सा? बी सी डी, ये सम्मुख कोण है। कैसे हैं इसको देखना, समझना जरूरी है, बाकी तो आप कहीं से देख सकते हो। अगर हम बात करें डी ए बी कोण की, तो आप ध्यान देना कहाँ से चलेगा ये, मैं अंदर में बना रहा हूँ। डी ए बी ऐसे चलेगा जहाँ मैंने डॉटेड लाइन खींचा, देखो ये क्या है, डी ए बी कोण का जगह है ना, ये कोण बन गया डी ए बी। और अगर हम बात करें इसी में कोण
BCD की, तो आप देखोगे कहाँ से चलेगा, यहाँ से। अब इसको मिटा दो, इसका कोई मतलब नहीं। BCD की अगर बात करें तो यहाँ से चलेगा और यहाँ तक, यहाँ तक। आप देखो इसमें ये यूज हुआ था, इसमें ये, मतलब कोई भुजा कामन हुई नहीं हुई ना, कोई भी भुजा कामन नहीं है। तो लिख लीजिए इसी तरह, ये भी होता है सेम टू सेम, चतुर्भुज का सम्मुख कोण वह कोण होते हैं जिनकी कोई भी भुजा कामन नहीं होती है। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण ये चित्र बना लीजिएगा, चाहे वो उसमें भी बना लीजिए, हर जगह आप बना लीजिए, हम तो एक ही जगह बनाए हैं। उदाहरण, दिए गए चित्र में कोण DAB तथा कोण BCD सम्मुख कोण है, ठीक है। और भी दो सम्मुख कोण है इसमें, ABC और CDA, ABC और CDA। किसी भी चतुर्भुज में कितने सम्मुख कोण होते हैं, कितने होते हैं भाई, चार ही कोण होते हैं, तो उसमें दो सम्मुख हो गए उसके, दो के है ना। जैसे DAB का सम्मुख BCD, वैसे ABC का सम्मुख CDA। कोण जहाँ पर बनता है उस भुजा को बीच में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखना, मैंने जो बनाया है DAB वाला देखना, ये मैं इसी में से एक आकृति काट रहा हूँ। ये देखो DAB, कोण कहाँ बन रहा है इसमें, ए पर बन रहा है ना, बात समझ में आई ना। DAB का मतलब है कोण क्या बन रहा है, ए पर बन रहा है। BCD का मतलब है कोण सी पर बन रहा है, जो बीच में होता है ना उसी पर कोण बनता है, समझ गए ना। तो चलिए ये हो गया इतना, अब हम आगे बात करेंगे वाह कोण। वाह कोण क्या होता है, नाम से आपको लग रहा होगा कि वह कोण जो मतलब बाहर होते हैं, ऐसे कुछ लग रहा है ना। चलिए छठवां हेडिंग डालिए, वाह कोण। वाह कोण क्या होता है, वह कोण जो संलग्न भुजाओं को अपनी सीध में आगे बढ़ाने से बनता है, वह बाह्य कोण कहलाते हैं। एक प्रकार से ये चतुर्भुज के बाहर बनता है। परिभाषा हम लास्ट में बोलते हैं, उसको लिखा करिए, पहले समझा करिए, ठीक ना। देखिए इधर समझना, पहले बाह्य कोण क्या होता है। जैसे कि हमने एक चतुर्भुज बना दिया, अब आप ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया जिसका नाम आप लिख लो PQ और RS, ठीक है। ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। वाह कोण का मतलब होता है सम्मुख भुजाओं को आगे बढ़ाने पर, संलग्न भुजाओं को, सॉरी, संलग्न भुजाओं को अपनी सीध में आगे बढ़ाने से बनने वाले कोण को बाह्य कोण कहलाता है, कहा जाता है। संलग्न भुजा आप जानते हो जो एक दूसरे में कॉमन होती हैं, जिनका अंतिम बिंदु कॉमन होता है वो संलग्न भुजा कहलाती है। जैसे PQ और QS क्या है, ये संलग्न भुजाएं हैं। PQ और QS संलग्न भुजाएं हैं, PR और RS संलग्न भुजाएं हैं। तो मानते हैं हम PQ और QS ले लेते हैं, तो इन भुजाओं को अपनी सीध में आगे बढ़ा लो, ये क्या है, आगे बढ़ गई। अब जो यहाँ कोने पर ये कोण बन रहा है ना, ये मान लो थीटा बन रहा है, ये क्या है, बाह्य कोण है, ये क्या है, बाह्य कोण है, समझ गए ना। यहाँ भी एक बाह्य कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ा लो ऐसे, इसको ऐसे आगे बढ़ा लो, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर आर पर, ये देखो एक बाह्य कोण बनेगा, बात समझ में आई ना। वाह कोण वे कोण होते हैं जो संलग्न भुजाओं को अपनी सीध में आगे बढ़ने पर बनते हैं। वाह कोण वे कोण होते हैं जो संलग्न भुजाओं को अपनी सीध में आगे बढ़ाने पर बनते हैं। इसको ऐसे बना लीजिएगा, दिखा लीजिएगा बना के, ठीक ना, ये वाह कोण होता है। इसके बाद आता है साथियों चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, ये एक अहम सवाल होता है, और उनके क्या क्या फीचर होते हैं, ये सब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार में, ठीक है। तो ये लगभग आपका एक पार्ट, एक सेशन हो गया, लेकिन अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी आगे भी चलेगा। अब हम देखेंगे चतुर्भुज का प्रकार, जो कि इसका दूसरा दृश्य होगा।
पहला दृश्य में आप काफी कुछ समझ चुके हैं, है ना? चतुर्भुज के प्रकार। और आपको बता दें, डीएलएड का आपका जो अगला क्लास होगा वो पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर होगा। कहाँ पर होगा? पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर होगा। ये क्लास नंबर आपकी 27 थी, क्लास नंबर 28 पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर होगा, तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तुरंत, उसके बाद इसको आके देखिएगा। नाम है पीवीआर स्टडी ग्रुप, ये आपका अपना छोटा चैनल है पीवीआर स्टडी का, अभी कर लीजिएगा, नहीं बाद में पछताओगे, फिर ना मिलेगा अगला क्लास तो ढूंढोगे, ठीक ना? हाँ, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? मुख्यतः चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं अभी दिखा रहे हैं। 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप लगभग सभी से परिचित हैं, लेकिन अगर नहीं परिचित हैं तो हम आपको दिखा देंगे, नोट कर लीजिए, जिनको हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी वो बताएंगे। इसमें है पहला समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तीसरा है समांतर चतुर्भुज। चौथा है आयत, और पांचवा है वर्ग। देखिए टाइम की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से हमने इसको आपको शॉर्ट में दिखा दिया, पहले बोल रहे थे फिर अचानक दिखा दिया ना, क्योंकि हमें ख़त्म करना है इसको, ठीक है? अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और जो भी ये सब होते हैं, इनकी इंग्लिश में तो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल हिंदी में बात करेंगे, तो पूरा क्लास देखना, अगर कमेंट करेंगे तो हम इसको इंग्लिश में भी आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये वैसे आपका अगला चैप्टर है, ठीक है? प्रकार वाला जो है ये अगला चैप्टर है, इसमें इनके परगुणों की भी बात करेंगे, हर एक प्रकार के परगुण की बात करेंगे और सब कुछ इसमें देखेंगे। तो आप इसके लिए पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर जुड़िएगा, इसको हम आपको अगले भाग में सब पूरा दिखाएंगे। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल बता दें अगर समलंब चतुर्भुज का, तो ध्यान दीजिएगा नाम से ही स्पष्ट है ना, समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समझ गए ना? इनके गुण की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, इसको इंग्लिश में ट्रेपिज्म भी बोलते हैं, ठीक है? इनके सम्मुख कोण असमान होते हैं, सम्मुख कोण समान नहीं होते हैं, समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण असमान होते हैं, और इनके दोनों विकर्ण असमान होते हैं। ये गुण हो गया आपका समलंब चतुर्भुज का। तो इसके आगे के लिए साथियों पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इधर साइड में आपको ना दिख रहा होगा पूरा, तो याद रखिएगा पीवीआर स्टडी ग्रुप, ठीक है? इसका अगला पार्ट आपको मिल जाएगा आज ही, संडे को ही हमारी कोशिश होगी, नहीं तो कल मिल जाएगा। आपकी क्लास बहुत तेज़ी के साथ इस समय चल रही है, जो भी हो चुका है अभी तक लगभग 26 क्लास, उसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें उससे पूछ सकते हैं। और जो भी साथी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी टाइम है, उनका रिवीजन करवा दिया जाएगा 10 दिन में, बहुत कुछ है, यानी कि ये मान लीजिए अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 दिन में पास होने की गारंटी है, अभी 10 दिन का टाइम है एग्ज़ाम का। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप डीएलएड बीटीसी अर्थात जो भी ए सेमेस्टर में आप हैं इसमें पास हो सकते हैं, अगर आप अभी क्लास को ज्वाइन करते हैं तब भी। क्लास को ज्वाइन करने के लिए ऊपर नंबर दिया गया, सारी प्रक्रिया आप जानते हैं। बीटीसी 4 सेमेस्टर का कंप्लीट मैथ के लिए आपको 549 का पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको सारी क्लास व्हाट्सएप पर दी जाएगी, जो डाउट सेशन होगा वो भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो चलते हैं फिर अगली क्लास के लिए, इंतज़ार करिएगा, 6:30 बजे से होगी और हमारी कोशिश होगी ये पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर होगी, नहीं तो इस चैनल पर तो मिलेगी ही, पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर। और हाँ, अगर आप इस क्लास को रात में देख रहे हैं 9:30 बजे वाली में, तो पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर ये क्लास रात 9:30 बजे होती है, आपको पता है ना, ठीक है? और 10:15 पर भी होती है रात में। कहाँ पर होती है ये रात वाली क्लास? पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर। और सुबह होती है पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर।
और ये क्लासें शाम को 4 बजे एवं शाम को 8 बजे भी होती हैं, वो होती हैं पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। इसलिए आप पीवीआर स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर सर्च करिएगा पीवीआर स्टडी, लिख के पेज मिल जाएगा, उसको फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। वहाँ पर भी आप ये क्लासें देख पाएंगे अलग अलग समय में। एक खासियत है फेसबुक पर, आप जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई तुरंत मिलता है, लेकिन यूट्यूब पर थोड़ा टाइम लगता है ना। तो साथियों चलते हैं, फिर बेल आइकन को ऑन करिएगा सब्सक्राइब करके। अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करके लाइक करिएगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। बस कुछ ही क्षणों में हम आ रहे हैं। अगर आप सुबह इसे देख रहे हैं 6 बजे, तो अगली क्लास 6:30 बजे लेके आ रहे हैं। अगर आप रात 9:30 बजे देख रहे हैं, तो अगली क्लास 10:15 पर आ रही है। तो भूलिएगा मत, अगला क्लास ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।